हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैड कैम सॉल्यूशन मिनट। और एनएक्स कैम में ही आज मैं आपको कुछ नया करके दिखाने वाला हूं। तो इसके अंदर हम मशीन कैसे ऐड करेंगे और कोई अगर आपके पास सीएनसी फाइल है तो उस मशीन पे आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक मशीन पर माउंट कर लेते हैं। इसमें ऑपरेशन ऑलरेडी मैंने कर रखा है, ये मेरी मशीन है और पार्ट मेरा ये हो गया है। आप इसे ओके करिए और बाइक कंस्टेंट लेके इसे ओके कर देता हूँ, बाकी मैं इसे अभी एडजस्टिंग इसकी बाद में कर दूँगा। ओके कर देते हैं। मेरे पास असेंबली के अंदर असेंबली मोड में मूव का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, आपको मिल पाए। अब यहाँ पे मैं आ गया और इसे मैं जो मेरी मशीन है इसको मूव कर लेता हूँ और असेंबली मोड में आ जाइए। ये मेरी है, इसे सिलेक्ट करेंगे और ये है डायरेक्शन। ओके, हल्का सा गैप है, नो प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप हल्का सा इसे ले लीजिए। तो ये मेरे पास आ गया है और वापस इसमें ही आता हूँ मैं होम। और जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको ये मैगज़ीन मिल जाएंगी और जो हमारा टूल है वो मैगज़ीन पे जा रहा है, तो मैंने इसे ड्रैग करके पॉकेट वन में डाल दिया, पॉकेट वन में। तो पॉकेट वन में मेरा एक टूल आ चुका है और अभी अगर मैं इसका सिमुलेशन आपको दिखाता हूँ, ये स्पीड जो है स्पिंडल की डली भी नहीं है, उसकी वार्निंग आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। और यहाँ पे ये जो है इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और ये मेरे पास आ रहा है, इसे आप चाहें तो एक बार रीसेट कर दीजिए, रीसेट हो गए। रीसेट के बाद अब मैं इसे एक बार प्ले करके देखना चाहता हूँ। स्पीड थोड़ी सी कम करते हैं और शो टूल पाथ कर देते हैं और टूल मेरा आ गया है। स्पीड और तेज़ कर लीजिए जैसा भी आप रखना चाहते हैं। ओके, तो ये सब चल ही रहा है, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से शो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन व्यू, तो इसको आप साथ में देख भी सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे कोड पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे चल रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आ रही है आपकी सीएनसी प्रोग्रामिंग साथ में लिखी हुई, टाइमिंग यहाँ पे आ रहा है और अभी मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए और इसे करा क्लोज। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसकी एक सीएनसी प्रोग्रामिंग जनरेट कर देता हूँ, इसका टूल पाथ जनरेट कर देता हूँ, तो पोस्ट प्रोसेस में जाएंगे। और अगर आपने मशीन ऐड कर रखी होगी तो आपको पोस्ट प्रोसेस में सिर्फ वही मशीन मिलेगी जिसका पोस्ट प्रोसेस आपने ले रखा है। और ये मैंने टूल पाथ में PTP इसका एक्सटेंशन आएगा, आप इसे सेव कर दीजिए। ओके, ये मेरा प्रोग्राम जो है वो सेव हो चुका है। अब अगर मैं इस टूल पाथ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, टूल पाथ मेरा डिलीट हो गया है, अब अगर मैं जाऊँगा या कुछ वेरीफाई करता हूँ यहाँ से तो वेरीफाई में कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास टूल पाथ नहीं है। लेकिन अब मैं अगर कोई पुराना टूल पाथ कोई दूसरी फाइल को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ या सेम फाइल को ही सिर्फ एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ CNC को, तो आपको क्या करना है, टूल में जाना है और टूल में नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सिमुलेट मशीन कोड फाइल। और अगर आप कोई NC पोस्ट प्रोसेसर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे NC पोस्ट प्रोसेसर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंस्टॉल करना भी सिखा दूँगा। सिमुलेट NC मशीन कोड फाइल, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आ रहे हैं आपको कौन सा वाला लेना है। ओके, तो ये फ्लोर एंड वॉल वाला था, इसे मैं लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और ओके। अब यहाँ पे टूल पाथ मेरे पास नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास ये एक CNC प्रोग्राम आ गया है, फ्लोर एंड वॉल 1 PTP, और ये 1 आ रहा है, ये ना 2 1 कर दीजिएगा, 1 यहाँ पे आ नहीं रहा था, अदरवाइज़ ये वार्निंग शो करता। तो इसे हम करते हैं प्ले, तो ये इसे रीड कर रहा है और यहाँ पर काम कर रहा है। बैक,
ये कोई दूसरा टून प्राप्त होगा, कोई दूसरा प्रोग्राम होगा, इस वजह से ही ऐसा कर रहा है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो अब कोई दूसरा मेरे को उसके ऊपर प्रोग्राम चलाना है, तो आप टूल्स में जाएंगे और यहाँ से आप ले जाएगा मशीन कोड फाइल, और यहाँ से मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और कंट्रोल ए राइट क्लिक करके कट कर दीजिए। ये सब खत्म हो गया है, और यहाँ से जो आपने कोई दूसरी फाइल बना रखी है उसे कॉपी करिए और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दीजिए, और फिर हम इसे यहाँ से करेंगे प्ले। तो आप देखेंगे जो प्रोग्राम आपने इसमें पेस्ट किया है ये उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। कोई भी प्रोग्राम आपका हो सकता है, आपने अगर मैन्युअली बना रखा है तो आप नोट पैड पर बना लीजिए, नोट पैड पर लेके आइए और बाद में उसे आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो होप फ्रेंड्स आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कैसे हमें इसको मशीन को एग्जीक्यूट करने हैं अपने कोड से। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं, या मैन्युअली खुद भी आपने कोई भी प्रोग्राम बना रखा है उसको भी आप यहाँ पे डाल के क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टूल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।